नमस्कार आदाब व सत श्री अकाल, मैं हूं सुलेंद्र परिहार और आप देख रहे हैं टीएलआर न्यूज। टीएलआर न्यूज उन जगहों पर जाता है जहां पर कोई भी ना गया हो, और ये इतिहास है हमारा और हम बड़े प्राउडली ये चीज कहते भी हैं कि हम वहां होते हैं जहां कोई नहीं होता। इसीलिए हर घर में टीएलआर है, घर घर में टीएलआर है। जी हाँ, आज जहां पर हम खड़े हैं वो डोडा हेडक्वार्टर से लगभग 50 या 60 किलोमीटर जो है दूर पड़ता है, और इस एरिया में जो है वो रोड कनेक्टिविटी भी नहीं है और ना ही अच्छे रास्ते हैं चलने के लिए। आपको मैं बताऊं कि एमजी नरेगा वो गांव के लिए डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था कि उसके अंदर रास्ते जो है पक्के बनाए जाएं या कच्चे रास्ते बनाए जाएं, और बहुत सारे ऐसे जो नदी होती है, देख सकते हैं नदी जो है ऐसी नदियों के ऊपर जो है वो बारिशों के टाइम पर बहुत सारा तूफान होता है, यहाँ पर जो है सैलाब आते हैं, उन सैलाबों से बचने के लिए पुल भी बनाए जाते हैं। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो यहाँ पर वॉल के ऊपर पेंट किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये पंचायत राज के अंडर है, आरडीडी डिपार्टमेंट के अंदर काम किया हुआ है, और इसका कंस्ट्रक्शन का नाम है फुट ब्रिज ऑफ पुनियला। ये पुनियला के लिए एक गांव है पुनियला, जहां पर बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, वहां का ये पुल है। और ये पुल कितने का बना है, एस्टिमेट कॉस्ट इसकी 2,40,000 के करीब है, 2,40,000 के करीब इसका कॉस्ट है, और ये फाइनेंशियल ईयर जो है 2019 और 20 के इसमें बनाया गया है। वेंडर का नाम जो इन्होंने पैसा जिनके खाते में आया है जिया लाल है, और साथ ही में हेड जो है वो 14FC के अंडर जो है बनाया गया है, 14FC स्कीम है उसके अंडर बनाया गया है, और अंडर जो है यहाँ पर देख सकते हैं इनॉग्रेटेड बाई सरपंच का नाम यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत मिटा हुआ है। क्या नाम है सरपंच का? जगदीश गीता देवी है नाम, यहाँ पर महिला सरपंच है, और ब्लॉक ये गुंदना पड़ता है। ठीक है, हमारा भी गुंदना ब्लॉक है, फोन नंबर भी नीचे, वो नहीं दिखाएंगे। चलिए यहाँ पर ये पुल देख लीजिए आप, ये पुल ऐसा पुल है जिसकी शटरिंग निकाली ही नहीं गई, क्योंकि शटरिंग के ऊपर ही ये पुल टिका हुआ है, कंक्रीट में तो है ही नहीं, ये कंक्रीट के ऊपर डाला गया है। ये देख सकते हैं ये सारा का सारा अभी के अभी निकलेगा, देख सकते हैं ये पूरा हिल रहा है कंक्रीट, ये देखिए ये, और क्वालिटी जो है वो बिल्कुल लो यूज की गई है, क्योंकि यहाँ पर आना किसने, यहाँ पर जो है डीसी साहब नहीं आएंगे, यहाँ पे एडीसी साहब नहीं आएंगे, और यहाँ पर डीसी साहब भी नहीं आएंगे, क्योंकि पुनियला है, पुनियला में रोड नहीं है, तो इंस्पेक्शन करने के लिए कौन आएगा? यहाँ पर तहसीलदार, यहाँ पर मुझे लगता है आरडीडी डिपार्टमेंट के ब्लॉक से भी कोई नहीं आया होगा, गुंदना ब्लॉक से भी जो कोई नहीं आया होगा। और ये काम सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है, सिर्फ पैसा खाया गया है यहाँ का। और इसको आप देखिए, एक ऐसा पुल जो लकड़ियों पे खड़ा है, जिसका खुद कोई दम नहीं, कंक्रीट में बनाया गया है, 2,40,000 के करीब बनाया गया है, लेकिन बेचारे की रीढ़ की हड्डी कंक्रीट से नहीं बनाई। ये जो कोट है वो इस, और देखिए ये जो है, ये देखिए ये सीमेंट है, थोड़ा नजदीक आए, नजदीक से दिखाए, मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा ये नजदीक दिखाइए, ये देखिए ये जो नीचे रेत होती है गड में, ये जो पानी पीछे से आता है वो वाली रेत है, देखिए कैसे निकल रही है, मैं हाथ से हिला रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ रेत को इधर जोड़ा गया है, सीमेंट इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ये देख सकते हैं, ये देखिए कैसे निकल रहा है। और ये जो है ये क्वालिटी यहाँ पर यूज की गई है, और ये पुनियला के लिए पुल है। आप मुझे बताइए कि पुनियला का कोई इंसान इस पुल से जो है जा रहा होगा, और तूफानी बारिशों के समय ये पुल जब गिर जाएगा, टूट जाएगा, और इसमें कोई शख्स की हत्या हो जाएगी, मर जाएगा, एक्सीडेंटल उसकी डेथ हो जाएगी, तो कौन जिम्मेवार होगा? क्या आरडीडी जिम्मेवार होगा, या जो जिन लोगों ने इस पर काम किया है वो लोग जिम्मेवार होंगे, या वो लोग जिम्मेवार होंगे जिन्होंने यहाँ इस काम को पास कर दिया है? ये खंभे जो है मुझे समझ नहीं आ रहे, जब यहाँ पर तूफानी बारिश आएगी, ये नाले जो है तूफान पे होते हैं बारिशों के टाइम, ये खंभा क्या बचा पाएगा इस पुल को? ये देखिए नीचे जितना भी है लकड़ी लगाई गई है, कम से कम पैसों में इसका काम किया गया है। ऐसे पुल जनाब उस समय बनाए जाते थे जब कंक्रीट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, जब ऐसे इलाकों में लोग रहते थे तब ऐसी लकड़ियों का पुल बनाते थे, और वो पुल जैसे
बारिशें पड़ती थी वो पुल चला जाता था, लेकिन आज तो बड़ी बड़ी स्कीमें हैं आरडीडी डिपार्टमेंट की, लेकिन आखिरकार पुनियाला वालों के लिए क्यों नहीं, पुनियाला वालों के लोगों के साथ क्यों मजाक हो रहा है? पूछना चाहता है टीएलआर भी और पुनियाला का हर इंसान जो कहीं ना कहीं आज टीएलआर को इस उम्मीद से यहां पर बुलाया है कि पुनियाला भी किसी ना किसी तरीके से लोगों के सामने आए। जी हां, पॉलिटिशियंस ने यहां पर रोटियां सेकी, वोट तो यहां से लिए, लेकिन पुनियाला के बारे में किसी ने नहीं सोचा। आखिर सोचेगा कौन? पुनियाला और देसा दो ऐसे इलाके हैं जो खूबसूरत हैं, लेकिन यहाँ के जन्नत तो है, लेकिन साथ में जन्नत के साथ साथ में यहाँ के लोगों की बदकिस्मती भी है कि वो यहाँ पर रहते हैं। फैसिलिटीज जो है वो बेसिक फैसिलिटीज यहाँ पर नहीं है। बेसिक फैसिलिटीज आप जानते हैं, रोड, हेल्थ, स्कूल, ये सब चीजें जो है फैसिलिटीज के अंदर आती हैं। और अगर पैसा आता भी है गवर्नमेंट का तो ग्राउंड जीरो पर ये हालात है, ये हकीकत है। देखिए और आप बताइए, क्या ये वो भारत है? यहाँ का बच्चा जानता होगा कि हम कहाँ पर रहते हैं, क्या यहाँ का बच्चा जो है कनेक्टेड है सिटीज के साथ? क्या यहाँ के बच्चे को ये सवाल करने का हक नहीं कि आखिरकार पुनियाला के साथ भेदभाव और देसा के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? देसा की आवाज और पुनियाला की आवाज टीएलआर उठाता आया है, उठाता रहेगा और दिखाता रहेगा कि जहां पर 75 साल की आजादी मनाई जा रही है, वहीं पर एक ऐसे एरिया भी हैं जहां पर न लाइट, न रोड और बेसिक फैसिलिटी से लोग हैं परेशान। बताइए, क्या ये पुल हकीकत नहीं बता रहा पुनियाला की? ये पुल हकीकत बता रहा है कि पुनियाला कैसा है। पुनियाला इस पुल की तरह ही टूटा फूटा और इस पुल की तरह ही बेसहारा है। कब न जाने कौन सा ब्लड, कौन सी आंधी जो है आएगी और इस पुल की तरह पुनियाला भी खत्म हो जाएगा और पुनियाला सिटीज तक नहीं पहुंच पाएगा। पुनियाला के लोग जो है वो हेल्थ की फैसिलिटी भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आते आते और यहाँ पर जाते जाते बहुत समय लग जाता है। विजय सुरेंद्र परिहार को इजाजत, और आप देखते रहे आपका अपना चैनल टीएलआर न्यूज। जय हिंद।